Hello, student. Today we see the input and output devices in PLC. So, see, first of all, that is input devices used in PLC. So, in this first one, it is push button. In push button, what is the function symbol? You already see the symbol of push button. डेन सी द फंक्शन ऑफ पुश बटन दिस पुश बटन आर यूज फॉर स्टार्ट रन कौमा साइकिल कौमा जक और रिसेट ऑपरेशन इन द प्रोसेस ओके ये जो पुष्प बटन है हम लोग किस लिए यूज कर सकते हैं प्रोग्राम स्टार्ट रन रिसाइकल या फिर रिसेट ऑपरेशन के लिए हम लोग ये पुष बटन यूज करते हैं, ओके देन वी सी द सेकेंड दैट इज़ द टेम्परेचर स्विचेस दिस इज द टेम्परेचर स्विच सिम्बॉल देन सी द फंक्शन दिस स्विचेस आर यूज फॉर सेंसिंग टेम्परेचर और फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ओके ये टाइप के जो सेंसर्स है ऑलरेडी उसके नाम में दिया है Used for sensing temperature or measuring the temperature. Okay. Then we see the next input device that is the limit switch. Okay. This is the symbol for limit switch. These switches are used as a sensors and detect the moving parts that the moving part reach the limit. ओके okay. अभी ये लिमिट स्विचेस जो है किस लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ सेंसर करके यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी मूविंग पार्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए आ, हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओके देन वी सी द नेक्स्ट दैट इज द प्रेशर स्विच दिस इज द सिंबल फॉर प्रेशर स्विच और इमेज फॉर और फोटो फॉर इमेज स्विच सॉरी प्रेशर स्विच देन सी द फंक्शन These are used to detect the pressure or absence of pressure on the system. Okay, अभी ये स्विचेस हम लोग किसके use kar sakte hain For detecting the presence of or absence of pressure. Means isme pressure present hai ya absent hai कौन से भी सिस्टम में उसके लिए हम लोग ये pressure switch यूज कर सकते हैं for detecting the pressure. Okay, presence or absence of pressure.

प्रीसेट वैल्यू की इस पे पहुँच जाएगा ओके देन वी सी द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस दैट इज थम व्हील स्विचेस ओके अभी ये थम व्हील स्विचेस है उसका सिम्बॉल या फोटो है यहाँ पे जो नंबर्स रहते हैं वन टू थ्री फोर ऐसे नंबर्स रहते हैं थम व्हील स्विचेस में फंक्शन देखिए दिस स्विचेस आर यूज टू सिलेक्ट स्पेसिफिक वैल्यू और द नंबर्स ओके ये जो स्विच है हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू या फिर स्पेसिफिक नंबर सिलेक्ट करना है उसके लिए हम लोग ये स्विच यूज़ करते हैं इस पर नंबर दिए रहते हैं देखो ओके देन वी सी द नेक्स्ट दैट इज द फ्लो स्विचेस फ्लो स्विचेस का फोटो ये है ओके देन वी सी द फंक्शन दिस स्विचेस आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप एंड यूज एज अ सेंसर टू ऑन ऑफ द कंट्रोल वॉल ओके अभी ये फ्लो स्विच का फंक्शन क्या है ये जो फ्लो रहता है अपने सिस्टम में उसको वो प्रेजेंस है मीन्स प्रेजेंट है वो पाइप में या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं और सेकेंड जो है इसका फंक्शन एज अ सेंसर करके भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑन ऑफ द कंट्रोल वॉल ओके फॉर द पर्पज ऑफ ऑन ऑफ द कंट्रोल वॉल देन वी सी द नेक्स्ट दैट इज द प्रोक्मेटी स्विचेस दिस इज द फोटो फॉर प्रोक्जेटिक स्विचेस देन प्र फंक्शंस सी द प्रोक्मेटे स्विचेस कैन डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट ओके अभी प्रोक्सिमेटिक स्विचेस का फंक्शन क्या है वो डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट मीन कुछ भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है उसमें तो भी वो क्या कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है वो डिटेक्ट कर सकता है ओके सो दिस इज दिज आर द इनपुट डिवाइसेस इन पीएलसी

मूविंग या फिर रोटेशन या फिर स्टेप वाइज रोटेशन फंक्शन रहा अलग अलग प्रोसेस में हम लोग ये मोटर्स यूज़ कर सकते हैं देन वी सी द सेकेंड दैट इज़ द डिस्प्ले वी ऑलरेडी सी दिस द सिम्बॉल और फोटो दैट इज़ द डिस्प्ले इन जो है अलग अलग सिस्टम में आप लोगों ने देखा है ये डिस्प्ले ओके okay, जो कि नंबर क्या करता है शो करता है देन सी द फंक्शन डिस्प्ले आर यूज फॉर इंडिकेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन द प्रोसेस विच आर टू बी मेजर्ड और कंट्रोल्ड ओके ऑलरेडी वी सी डिस्प्ले जो है हम लोग इंडिकेटिंग डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं मेजर्ड या फिर कंट्रोल कर सकते हैं ओके देन वी सी द नेक्स्ट दैट इज़ द सोलिनॉट वॉल ये फोटो है सोलेनोइट वॉल की देन सी द फंक्शंस सोलेनाइट वॉल्स आर यूज फॉर एक्चुएटिंग डिफरेंट एक्चुएटर्स कॉमा लोड कॉमा अनलोड सिलेंडर्स और डाय फ्रैगम एक्चुएटर्स ओके मीन्स ये जो सोलेनाइट वॉल है हम लोग जो भी एक्चुएटर सिस्टम में यूज करते हैं उसको उसके आ, उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं सोलेनाइड वॉल एक्चुएटिंग डिफरेंट एक्चुएटर्स मीन जो भी एक्चुएटर्स है उसको एक्चुएट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक्टिवेट करने के लिए आ, ये हम सोलेनाइड वॉल यूज़ करते हैं ओके देन वी सी द नेक्स्ट दैट इज़ द हीटर कॉइल ये हीटर कोयल हम लोगों ने आप, जो है सिम फोटो ऑलरेडी है उसमें देखो ये जो हीटर कॉयल है मीन्स मोस्ट ऑफ द डेली लाइफ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं वाटर हीटर की तरह हम लोग ये यूज़ करते हैं ओके फंक्शन देखिए क्या है हीटर कॉयल आर यूज़ टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन द प्रोसेस ओके हीटर कॉयल हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना है प्रोसेस के लिए उसके लिए हम हीटर कोयल यूज़ करते हैं देन वी सी द लैम्प ऑलरेडी वी सी इन डेली लाइफ दिस इज द फोटो फॉर लैम्प देन वी सी द फंक्शन इट इज़ यूज फॉर द प्रोवाइडिंग द इंडिकेशन और द लाइट इंडिकेशन पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रोवाइडिंग लाइट प्रोवाइड करता है ये ओके देन सी इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स टू इंडिकेट अ डिफरेंट ऑपरेशन इन द प्रोसेस ओके ये जो लैम्प है अलग अलग कलर से आप शेप्स में अवेलेबल है जो कि क्या इंडिकेट करेगा डिफरेंट ऑपरेशंस जो है प्रोसेस में वो इंडिकेट करेगा ऑन ऑफ भी बोल सकते हो आप ओके देन वी सी द नेक्स्ट दैट इज द रिले रिले दिस इज़ द सिम्बॉल फॉर रिले दैन सी दंक्शन रिले आर इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच विच इज़ यूज टू प्रोवाइड मेन सप्लाई टू द डिफरेंट अप्लायसेस अप्लायंसेस ऑफ डिवाइसिस थ्रू इलेक्ट्रिकल पल्स ओके अभी ये जो रिले रिले है ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच है जो कि क्या करेगा जो भी सिस्टम है उसको मेन सप्लाई प्रोवाइड करेगा डिफरेंट अप्लायसेस को ओके डिफरेंट अप्लायसेस को डिवाइस थ्रू इलेक्ट्रिक पर्स ओके देन वी सी द बजर इन बजर ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा ओके okay, ये फोटो है बजर का देन वी सी द फंक्शन इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच जनरेट साउंड सिग्नल और बिप सिग्नल यूज फॉर गिविंग अलार्म फॉर द सेफ्टी ओके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है साउंड सिग्नल जनरेट करता है या फिर बिप सिग्नल जनरेट करता है ये हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर गिविंग अलार्म फॉर सेफ्टी ओके फॉर अलार्म के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए ओके सो दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस इन पीएलसी एल टॉपिक विल बी एंड थैंक यू